शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, नौजवान, गरीब, महिला, इन तमाम जो बुनियादी सवाल हैं इनको गुमराह करके, नज़रअंदाज करके दिन रात हम लोगों को नफरत की आग में जलाने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूँ कि जब खेत में मर रहा किसान स्वाभाविक रूप से दिन रात हो रहा है हिंदू और मुसलमान, तो ये जो अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो राज करो, उसी पे कहीं ना कहीं चलते हुए अफसोसजनक बात है कि हमारी सरकार जिसको हमने ही चुना है वो डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों की पॉलिसी की तरह डाइवर्ट एंड रूल का इस्तेमाल। यहाँ आपने जो कहा कि हमारी सरकार जैसे हमने खुद ही चुना है, और बीजेपी भी लगातार ये कहती रहती है कि हम अपने मैनिफेस्टो में ये सब आपको दिखा रहे थे, आपको पता था, तो जब हमारे देश की जनता ने इनको चुन के वहां पे बिठाया तो फिर वही काम अगर वो कर रहे हैं तो उस पर क्यों हम सवाल उठाए। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी भाषण बहुत अच्छा देते हैं, उनका कोई एक भाषण आप अपनी टीवी पर चला दीजिए जिसमें उन्होंने कहा होगा कि हम NRC लागू करेंगे देश में, कोई एक भाषण सुना दीजिए। जब प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री थे, तो देश के मुद्दों पे बात करते थे, आधार कार्ड के खिलाफ बोलते थे, विकास की बात करते थे, प्याज की कीमतों पर जोर से हल्ला बोलते थे, अर्थव्यवस्था के ऊपर आवाज उठाते थे, रुपया जब नीचे गिरता था तो प्रधानमंत्री जोर से आवाज उठाते थे। इन सारे मुद्दों को आज वो भूल गए हैं जब वो प्रधानमंत्री बने हैं, और जब भी चुनाव होता है उनकी चुनावी कोई भी सभा को आप देख लीजिए, वो कब्रिस्तान और शमशान की बात करते हैं। इस बार तो झारखंड में जाकर जो विपक्ष काम है उठाना, क्योंकि जब वो विपक्ष में थे उन्होंने वही बात पुरजोर तरीके से उठाई, तो अब ये विपक्ष को उठाने चाहिए। तो विपक्ष जब उठाता है तब तो यही उनका जवाब होता है ना कि ये तो नेहरू जी की वजह से हो रहा है। हर चीज में आप देख लीजिए कि नेहरू जी का नाम लिया जाता है। आजकल एक मजाक जो है वो बहुत चल रहा है, जिस सीढ़ी पे लिखा हुआ था कि सीढ़ी ऊंची है संभल कर चले, वहाँ प्रधानमंत्री औंधे मुंह गिर गए। मुझे लगा कहीं ये ना कह दें कि नेहरू की वजह से गिर गए, तेल गिरा दिए थे नेहरू जी यहाँ पे। हर चीज में आप देखेंगे विपक्ष अगर कोई सवाल उठाता है तो उसको ये बोल करके गुमराह कर दिया जाता है। तो क्या गरीबी आज ही हुई है, महंगाई आज ही हुई है, भ्रष्टाचार तो कांग्रेस के जमाने में भी था, शिक्षा पे हमला तो कांग्रेस के जमाने में भी किया जाता था। अरे कांग्रेस के जमाने में किया जाता था और कांग्रेस से लोग परेशान थे, तभी तो जो है इतने शानदार भाषण देने वाले इस अद्वितीय प्रधानमंत्री को लोग चुन करके लाए हैं ताकि देश की समस्या समाप्त होगी। अगर अभी के प्रधानमंत्री भी पूर्व के प्रधानमंत्रियों की कहानी सुनाते रहेंगे तो देश की जनता का क्या होगा। और यही कारण है, यहीं पे मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि यही कारण है कि इस देश में जिस तरह की राजनीतिक शून्यता पैदा की गई है कि आज विद्यार्थियों को अपने पढ़ने लिखने के हक अधिकार के साथ साथ हॉस्टल का फीस, यूनिवर्सिटी का फीस, नौकरी का सवाल, इन मुद्दों के साथ साथ संविधान को बचाने की लड़ाई भी लड़नी पड़ती है। एक तरफ वो फीस वृद्धि के खिलाफ लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ संविधान के ऊपर जो देश विरोधी कानून CAA का हमला है उसके खिलाफ भी उनको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं स्टूडेंट इस देश में लोकतंत्र के भीतर प्रेशर ग्रुप की जो भूमिका होनी चाहिए उसको शानदार तरीके से निभा रहे हैं। अपोजिशन पार्टी से पहले आज के डेट में इस देश की यूनिवर्सिटीज अपोजिशन की भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए पूरे देश के आम नागरिकों को इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि उनके टैक्स का पैसा सही जगह इस्तेमाल हो रहा है, उनका बच्चा एक बेहतर नागरिक बन रहा है। जब संविधान की हमला होने के ऊपर लोग बोलने को तैयार नहीं है तब विद्यार्थी अपनी आवाज को मुखर कर रहे हैं। जो जनता है, जो लोग हैं, आम लोग हैं, वो कभी कभार ये सवाल भी उठाते हैं कि ठीक है चलिए छात्रों के ऊपर डंडा बरसाए वो नाराज हुए, लेकिन जो हिंसा हो रही है नागरिकता संशोधन कानून को लेते हुए, कभी कभार जब आप आंदोलन की बात करते हैं तो उसके साथ हिंसा भी पुछलू बन के आ जाती है, उसका क्या किया जाए। देखिए, हिंसा में भरोसा करने वाला ये देश नहीं है, अहिंसा परमो धर्म ये बड़ा मशहूर वाक्य है भारत को लेकर के, और गांधी जी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो अहिंसक तरीके से लड़ा। अम्बेडकर भी बार बार जो है वो नॉन वायलेंस की बात करते थे, यहाँ तक कि मैं आपकी टीवी के माध्यम से लोगों को बताऊं कि भगत सिंह ने भी कहा है इंकलाब नहीं लाते हैं। इस देश का आम जनमानस जो है वो हिंसा का समर्थक नहीं है, लेकिन ये अचानक से हिंसा को लेकर के जो चिंतित लोग हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है, उनकी चेतना से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, और मैं उनकी इस चेतना को वहाँ भी ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ जहाँ वो पब्लिक सेक्टर की कंपनियाँ जो बिक रही है उसकी भी चिंता करते हुए मुझे दिखाई दें। और पब्लिक प्रॉपर्टी के नुकसान का जहाँ तक सवाल है, यूनिवर्सिटी कैंपस भी पब्लिक प्रॉपर्टी ही है, लाइब्रेरी भी पब्लिक प्रॉपर्टी ही है,
किसी भी आंदोलन में हिंसा का कोई जगह नहीं है, हिंसा का हमको समर्थन नहीं करना चाहिए। और मेरा तो ये अनुमान है कि आंदोलन को दबाने के लिए जानबूझकर साजिशन हिंसा का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आंदोलनों को दबाया जाए। कौन करेगा ये साजिश? देखिए, स्वाभाविक रूप से जो ये साजिश करने की परिस्थिति देश में पैदा की कर रहा है, मेरा इशारा तो उन्हीं की तरफ होगा। कौन? मेरा मानना है कि पुलिस सरकार के अधीन है, आईबी सरकार के अधीन है। पुलिस और आईबी स्वतंत्र तरीके से इस पर काम करे, निष्पक्ष तरीके से पता लगाने का प्रयास करे कि किसके इशारे पे हिंसा हो रही है। मेरा अपना ये व्यक्तिगत मानना है कि कोई भी आम विद्यार्थी वो क्रिमिनल नहीं है, वो अपराधी नहीं है, वो अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पे उतर रहा है, उसके द्वारा कोई हिंसा नहीं की जा रही है। जो लोग भी इसमें शामिल हैं, या तो सरकार उसको पकड़ करके सामने लाए, तो या ये माना जाएगा है लोग एफआईआर में वो सब पार्टियों के लोग हैं, कोई कांग्रेस यूथ कांग्रेस रिलेटेड, कोई आम आदमी पार्टी की यूथ इकाई से रिलेटेड, ये नामजद भी हुए हैं इनके ऊपर आज जो एफआईआर हुई है। तो आपको लगता है पार्टियां बहका रही हैं? देखिए, मैं राजनीतिक से भूख लगी है और आपने अपने पिताजी को कहा कि हमको बिस्किट दे दीजिए, पिताजी आपको उठा करके अलमीरा पे बिठा दिए, अब आप बिस्किट मांगना भूल कर